नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। हम इस वक्त जो है हरैया विधानसभा क्षेत्र के केशवापुर चौराहे पे आए हुए हैं और यहाँ की जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि आखिर इनके मन में अब की बार 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब की बार इनके मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार से किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। चना, क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरी सुनंदा पांडे। अच्छा, तो अब की बार किन मुद्दों को लेकर किस प्रकार से आप किस पार्टी के नेताओं को वोट करना चाहेंगे? हम लोग जो है ये बदलाएंगे सरकार, और मुद्दा जो है ये सब बार बार ये लोग बेईमानी करते हैं, इसलिए हम लोग इनको वोट नहीं देते। बेईमानी का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब? तमाम बेईमानी का तात्पर्य ऐसा है कि सड़क बनवाते हैं, वो भी उनका पीछा बनवाते हैं, कमीशन पूरी करते हैं। तमाम लोग गांव में दिखाई नहीं पड़ते हैं, कभी कभी क्षेत्र में दिखाई पड़ना चाहिए। अभी जो है हमारे यहाँ के विधायक आए थे और उनको जो है लोग ऐसा कह रहे थे, मैं भी कहा नहीं, जो आप यहाँ के विधायक हैं, कभी देखा जाना? कभी नहीं देखा ना जाना। क्या नाम है विधायक? सीपी शुक्ला लोग कहते हैं, लेकिन वो कैसे हैं फोटो उनका दिखाई पड़ता है कभी कभी, मतलब फोटो में केवल दिखते हैं, हकीकत में नहीं। नहीं तो अभी चाचा ने बताया जो आपके यहाँ के विधायक जी हैं वो केवल तस्वीरों में दिखते हैं, जबकि हकीकत ये है कि यहाँ कभी गांव में आए नहीं जीत के बाद। भैया क्या नाम है? राम जतन। अच्छा, क्या करते हैं? अच्छा, तो कहाँ के वाले हैं? महादेव। तो अब की बार किस सरकार को, कैसी सरकार को चुनना चाहेंगे? बदलेंगे सरकार। क्यों, क्या दिक्कत है इस सरकार? अरे दिक्कत क्या, बहुत दिक्कत है। इस बार किस किन किन मुद्दों को लेकर आप किस प्रकार के नेता को चुनना चाहेंगे? भैया हो अमावती तो बड़ी संकट दे दिए भाजपा सरकार, लॉकडाउन लगाई हर हर व्यवस्था का ढाली, और फिर यार देखत हो वहीं 11 महीना की लड़ाई दिल्ली में भरा है, खेती बाड़ी कुल नीलाम करे वाला नहीं, हर चीज़ प्राइवेट कह दिया, कितने नाता हमें लोन आप से च्वाइस करने वाला है, इलेक्शन पढ़ाई लिखाई सब बार बार। अच्छा, आपके यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, क्या नाम है उनका? उनका राम प्रसाद नाम है। सी ए चंद्रकला। तो आपने उनको कभी देखा है, जाना है? नहीं, कभी नहीं देखा। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य होती है? अब सड़क तो बनवाए हैं, बात नहीं। मतलब अगर विधायक जी को पहचानना हो तो आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते, नहीं हमको ग्यारह नहीं पहचानते। विधायक जी से आप लोग नाराज हैं? नाराज कुछ नहीं, कौन नाराज होकर क्यों का उपयोग कर ली, लेकिन यहाँ का जनता कही है मनता है। ठीक है, ठीक है। तो और भी हमारे साथ है भैया, अब की बार किन किन मुद्दों को लेकर किस प्रकार की सरकार आए हैं? जो यहाँ जनता बता रही है वही जो है मनता है। क्या आपकी क्या मानता हो तो अपनी राय बताइए, आप भी तो अपनी राय बताइए। नौकरी चाकरी करते हैं हम, यह पुल नहीं बताते हैं कि हमारा क्या मानता है, क्या होमगार्ड। चलिए, तो आप तो खैर नौकरी पेशा के हैं और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पांडे। अच्छा पांडे जी, आप किस विधानसभा क्षेत्र से? इसी विधानसभा कप्तान मिलते हैं। अच्छा, आपके यहाँ के जो विधायक है उन्होंने कितना विकास कार्य किया है? नहीं, विकास कार्य तो किए हैं विकास, बट समस्या ये है कि वो क्षेत्र में आते नहीं हैं, बाकी जो काम है उनका काम तो होता रहता है। मतलब क्या क्षेत्रवासियों से मुलाकात करने के लिए आते नहीं है, और आप लोग जाते हैं तो क्या मुलाकात हो पाती है? किन लोग कहते हैं जब कभी आएंगे वो बाहर से तो आप ही अपने ऑफिस में कुल मिलते हैं, बाकी क्षेत्र में तो कभी नहीं आते हैं। आपकी बात क्या मुद्दा है, किस प्रकार का मुद्दा है, कैसी सरकार आप चुनना चाहेंगे? नहीं, मुद्दा तो कुछ नहीं है, मुद्दा मतलब सरकार ठीक ठाक चल रही है, कोई समस्या नहीं है सरकार से, क्योंकि जितने काम किए हैं काम कोई गलत नहीं है। अच्छा, जो है आपकी बार जो है कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से अगर देखा जाए
तो दो दो बाहुबली नेता लड़ रहे हैं। एक तो मान लीजिए सीए सिटिंग विधायक है, लड़ ही रहे हैं। पूर्व जो मंत्री थे रामप्रसाद चौधरी जी, उनके बेटे अतुल चौधरी जी भी लड़ रहे हैं। तो दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे आप अगर चुनाव? अभी दोनों में अगर काम में देखा जाए तो काम में जो हमारे मतलब अभी वर्तमान विधायक हैं, काम तो उन्हीं का अच्छा है। जैसे ये हैं क्षेत्र में दिखे नहीं, वो तो उनके भी बाप थे, वो तो क्षेत्र में कभी ये भी नहीं करते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से नेताओं को जब जनता चुन के भेजती है तो वो चले जीत के बाद कभी भी गांव की तरफ रुख नहीं करते हैं। हमारे साथ युवा साथी एक और इनसे बात करें, क्या नाम हुआ? अच्छा, आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र? तो अब की बार किन किन मुद्दों को लेकर या कैसी सरकार चुनना पसंद करके आप? जैसे सरकार को भी चेंज होना जरूरी है इंडियन टाइम में, और इस विधान से की बात अगर किया जाए कप्तान में तो नवयुक्त कपेंद्र अतुल चौधरी जी आए हुए हैं, कहीं ना कहीं नवयुक्त के लिए नए हैं तो इनको मौका मिलना चाहिए और परिवर्तन भी होना चाहिए और नए युग के लिए नए जोश के लिए उनको भी मौका देना चाहिए। अच्छा, तो क्या मतलब है? जो विधायक था वर्तमान में, युवाओं के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था उन्होंने किया? युवा के लिए तो कुछ भी नहीं किया है, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी आप देखिए हर चीज़ से याद करके युवा परेशानी है, चाहे जहाँ हुए आप इलाहाबाद में देख लीजिए, अभी पहले टाइम में हुआ कुछ लाठीचार्ज हुए हैं, यही इन्हीं के योगी के शासन में जो बच्चे घर से पढ़ने के लिए गए थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। आपकी सरकार में परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, परिवर्तन चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में? 11th। तो क्या इस वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका भैया? तो विधायक जी क्या आप लोग के गाँव में कभी जाते हैं? नहीं आए। नहीं आए हैं? पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। पहचानते हैं लेकिन अभी तक आए नहीं। कामों को करने का हम बात करें उसके, तो उन्होंने कितना काम किया आपके? मेरे गांव में तो विकास नहीं हुआ है सर। कौन सा गांव है आपका? पसौड़ी। अभी मतलब सड़क नाली बिजली पानी कुछ नहीं, नहीं है ना? कुछ नहीं हुआ है, केवल बिजली है, सड़क वड़क कुछ नहीं है। तो सब क्या उनके कार्यों से आप लोग खुश हैं? नहीं है। अबकी बार किसको वोट करेंगे? बीजेपी को तो कैंडिडेट है ही आपको विधानसभा क्षेत्र से। क्या नाम है भैया आपका? रमेश चंद्र। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? सुल्तानगंज। तो जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने विकास कार्य क्या किया? तो अब की बार आपको? हम तो भाजपा को करेंगे। भाजपा को करेंगे। चलिए देखिए आप तो भाई भाजपा के विकास कार्यों से खुश हैं तो भाजपा करेंगे। दादा क्या नाम है? विधानसभा क्षेत्र कौन सा है आपका? सुल्तानगंज। तो अब की बार किन किन मुद्दों को लेकर आप किस प्रकार की सरकार को चुनना चाहते हैं? मुद्दे की बात ही छोड़िए, जब विधायक ही नहीं दिखे तो उनसे क्या बात किया जाए? अच्छा, विधायक साल बीत गया। हाँ। अच्छा, विधायक का क्या नाम है जानते हैं? चंद प्रकाश टुकुल। देखे हैं उनको कभी? एक बार देखा था जब इलेक्शन गए टाइम हुआ था, उस टाइम देखा था। अच्छा, उन्होंने आपके क्षेत्र के विकास के लिए कितना कार्य किया उससे खुश हैं? अभी ये सब है, देख लीजिए आप खुद, देख लीजिए क्या विकास हुआ है। क्या नाम आपका? नरेंद्र। ये बताइए आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? दोनों है। तो अब की बार किन किन मुद्दों को लेकर किस प्रकार की सरकार को आप चुनना चाह रहे हैं? तो हमारे गांव से एक निर्दलीय लड़ रहे हैं, हम उनका समर्थन करेंगे। कप्तानगंज। क्या नाम है उनका? लक्ष्मण। अच्छा, तो आप उनका समर्थन करेंगे जी। लेकिन आप तो कह रहे हैं बीजेपी के शासन का अच्छा कार्य हुआ है। कार्य तो अच्छा हुआ है लेकिन वो हमारे गांव के व्यक्तिगत बिहार पे आप व्यक्तिगत। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और युवा साथी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, ये बताइए आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? हरैया। हरैया है। हरैया के विधायक कभी आपके गांव चौराहे पे और भी आए गए हैं, कभी आप लोग देखे हैं? विधायक को नहीं देखे हैं लेकिन हमको भाजपा से, हम भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा को वोट देते हैं इसलिए भाजपा को देंगे। अच्छा, मतलब योगी भाजपा के कार्यों से, विकास कार्यों से आप खुश हैं? हाँ। चलिए ठीक है, आप तो भाई भाजपा के समर्थक और भाजपा के विकास कार्यों से खुश हैं। हमने यहाँ तमाम लोगों से बात किया, कुछ को भाजपा के कार्यों से खुश हैं, कुछ अपने जो है व्यक्तिगत व्यवहार पे कुछ लोग जो है खड़े हैं, कुछ प्रत्याशी खड़े हैं ऐसे, उनको वोट करेंगे। खैर फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा कौन किसके पल्ले में भारी पड़ता है और कौन जीतता है, किसकी सरकार बनती है। बोलो बोलो।
त्रिलोकपुर चौराहे से सहयोगी अतुल कुमार के साथ रजनीश पांडे। जैसे जैसे तारीख चुनाव की नज़दीक आ रही है, मतदान 14 को होना है और यहाँ पर चुनावी तापमान चरम पे है। आज मैं मौजूद हूँ देहरादून उत्तराखंड राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र सहसपुर विधानसभा में और यहाँ पर कल्याणपुर शाहपुर गांव में आया हूँ। यहाँ के लोगों का मिजाज जानते हैं कि माहौल क्या है यहाँ पर, इस बार लोग जो है किसको वोट करेंगे, मतदान होना है। आप माहौल क्या है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ तो जी वैसे ठीक ही है और जैसे मतलब चल रहा है कार्य करिए वो ठीक है। और जी 2000 रुपये हमें उसके ये इस बार वोट किसको देंगे आप? बीजेपी को। क्यों देंगे? हमें जो सारी चीज़ की सुविधा है जी, इसलिए देंगे। अच्छा, क्या क्या सुविधा की उन्होंने? भ्रष्टाचार भी एक तो बहुत कम है और जी दूसरे हमें राशन पानी मिल रहा है टाइम से और जी ये 2000 रुपये भी मिल रहे। अच्छा, कैसे मिल रहे हैं 2000 रुपये? डायरेक्ट आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं ना जी, खाते में आ रहे। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं? किसान भी हैं आप? किसान खेती? हाँ, खेती भी है थोड़ी। अच्छा, बहुत ही। आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं जी। इसमें तो किसको करेंगे इस बार वोट? किसको, कौन से प्रत्याशी है आपके यहाँ पे? कौन से हैं? जान सहदेव पुंडीर। ये बताएं कि माहौल क्या है चाचा? बस माहौल इसी गई है मोदी के तरफ से। अच्छा, हाँ। किसको देंगे वोट? भाजपा को देंगे। अच्छा, क्या काम किया है भाजपा ने जो भाजपा को आप वोट देंगे? मकान दुआ दिया एक। अच्छा, और पैसा पूसा मिली रहा। हाँ। खत्ते मारा। हाँ। और स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है आपको अस्पताल से कुछ? जैसे मोदी जी ने 5 लाख रुपए का व्यवस्था कर रखी है, वो भी सुना आपने? ना, वो तो सुना नहीं। अच्छा। इस बार किसको वोट देंगे? इस बार भाजपा को देंगे। अच्छा, आइए जानते हैं महिलाओं का व्यू क्या है और महिलाएं जो है कितनी खुश हैं इस समय जो है सत्ता पक्ष जो है भाजपा है और मुख्य विपक्षी कांग्रेस है। महिलाओं का व्यू जानते हैं कि गांव में क्या राय रखते हैं लोग इस समय? इस समय माहौल क्या है आपके गांव में? ठीक है माहौल तुम्हारे यहाँ? अच्छा, किसका है इस समय चल रहा प्रचार? भाजपा का। अच्छा, भाजपा में कौन है इस समय? सहदेव पुंडीर। अच्छा, तो क्या किया उन्होंने, कुछ किया आपने? उन्होंने सब कर रखा, हमें पैसे भी गैर डाल रहे हमारे खत्ते में, खाने को नाच भी दे रहे हमें। अब हम सहसपुर विधानसभा के आदवाला ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या राय रखते हैं और आगामी जो 14 फरवरी को मतदान होना है क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं भैया? इस बार माहौल क्या है आपके क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, सहदेव सिंह मुंडी माने विधायक जी। अच्छा। बहुत भारी मत जीतेंगे इस बार। अच्छा, क्या काम किया उन्होंने, कुछ किया? सर बहुत सारे काम किए, रोड बनाए हमारे यहाँ, अनाज फ्री मिला अब तक। हाँ। और क्या नाम लेकर जन धन के लोगों खाते में पैसे आए, किसान निधि मिली, बहुत सरकारी योजनाएं लगभग गरीब जनता तक पहुंच रही। आप जानते हैं सर पुनीत जी को? जी सर। आए हो कभी? आते हैं सर, जब भी बुलाते तभी आते हैं। अच्छा, आपके गांव में कुछ किया उन्होंने? हाँ सर, 3-4 काम किए हमारे गाँव में उन्होंने। क्या काम हुए? 2 जगह मंदिर में पैसे दिया, 2-3 जगह ऋषि रोड बनवाई, इस रोड की खस्ता हालत थी उन्होंने बनवाई। लोग तो कह रहे हैं कि सिंह पुनीत जी आए नहीं बोल। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी कोई बुलाएगा तभी आएंगे, वैसे आते रहते हैं वो। हाँ। तो पक्का है इस समय? जी सर। अच्छा, क्या राय रखते हैं भैया आप लोग? सर भारतीय जनता पार्टी। अच्छा जी, कौन है यहाँ से इस समय प्रत्याशी? जी हमारे सहदेव पुंडीर जी। अच्छा, कुछ काम किया उन्होंने इस समय? सर बहुत काम किया उन्होंने। क्या राय रखते हैं इस बार, कैसे किसको मतदान करेंगे आप लोग? सर सहदेव पुंडीर जी को। अच्छा, क्यों करेंगे? सर उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किए। क्या क्या काम किए यहाँ पे? सर रोड बनवाए है जी, बहुत काम किए सर, रोड बनवाया सर, पानी की सुविधा करवाई, 1 रुपये में कलेक्शन हुआ, बहुत काम हुए सर। अच्छा जी, आप क्या राय रखते हैं? बढ़िया राय रखते हैं, हमें सहदेव पंडित जी को वोट देना है, उनको जीतना है। अच्छा, किस पार्टी से हो? भारतीय जनता पार्टी से। क्या काम कराए उन्होंने आपके यहाँ? सब कुछ कराए, देखो सबको तो राशन मिल रहा। हाँ। 2000 रुपये ये 3 महीने में किसानों को मिल रहा। हाँ। हमारी पेंशन बढ़ा दी गई। हाँ।
पहला पेंशन हमारी औरतों की नहीं थी, वो भी उन्होंने जो है शुरू करवा देगी। अच्छा, मार्च से। तो कांग्रेस के कौन है इस समय विपक्ष को? उसके तो वो है जी आर्यन शर्मा। अच्छा, आप क्या राय रखते हैं भैया, किसको वोट करेंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्या काम कराया उन्होंने, कुछ किया? बहुत सारे काम कराए। अच्छा, बहुत सारी योजनाओं का लाभ हम लोग उठा रहे हैं। हाँ। और हमारे तो ग्राम पंचायत में सहदेव सिंह पुंडीर जी का बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। हाँ। हमारे बुलाने पे, हमारे दुख सुख में हमारे साथ, जहाँ भी हमारे को जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल या जिसमें भी काम में, वो हमारे साथ 24 घंटे उपलब्ध रहे। आइए ले चलते हैं, यहाँ पे हमारे एक भाई हैं जो पंखे बनाने का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं। ये बताए कि कैसा चल रहा है कारोबार? भाई आजकल तो जीरो पे है काम, आजकल हमारा काम नहीं चलता, सर्दी और गर्मी में चलता है। अच्छा, माहौल क्या है इस समय? माहौल क्या है, अभी इलेक्शन चल रहा है, हमारे यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएंगे। 10 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। 10 साल से हम भी पहले बीजेपी को वोट करते थे, लेकिन क्या हुआ, हमारा यहाँ पे कुछ नहीं रहा, यानी कि कुछ ही आदमियों के भरोसे हमारा पूरा क्षेत्र सौंप दिया। तो आपको बीजेपी कुछ किया नहीं यहाँ पे? कुछ नहीं। क्या चाहते थे आप? विकास चाहते थे। कैसे विकास? क्षेत्र में विकास होना चाहिए। अच्छा, हाँ, विकास होना चाहिए क्षेत्र में। अच्छा, कोई विकास के नाम पे जीरो है। जैसे कह रहे हैं कि भाजपा ने जो है लोगों को फ्री राशन नहीं मिला, राशन दिया है वो, ये कोरोना काल में दिया है राशन। हाँ। हम उसके समर्थक है। हाँ। लेकिन क्या है, यहाँ पे हमारा जो विधायक है नहीं आया 10 साल से। अच्छा, 10 साल हो गया, हमने भी पहले वोट किया। हाँ। 10 साल से हम भी वोट कर रहे थे, 5-7 बार हम भी गए विधायक के पास में। हाँ। लेकिन हमारी कोई बात, एक भी बात नहीं सुनी। कुछ ही चुनिंदा लोगों को वो सपोर्ट करते हैं, बाकी आपको जो है स्वास्थ्य बीमा हर चीज नहीं मिली अभी? कुछ नहीं। तुम्हारे खाते में किसान हो? हाँ, किसान है। तुम्हारे खाते में पैसा भी आया? हाँ, पैसा आता है। अच्छा, पैसा आता है, मोदी देते हैं। हाँ। सेंटर से आ रहा। हाँ। जब मोदी को वोट करेंगे हम उसको वोट देंगे। अच्छा, वो तो हमारे प्रिय नेता है नरेंद्र मोदी। अच्छा, हमें, हमारा विरोध है सिर्फ क्षेत्र में विकास। हम, मैं भी खुद इस चीज़ का पीड़ित हूँ। हम भी गए कुछ समस्या लेके सहदेव के पास में, लेकिन एक भी बात नहीं मानी। जब हमारी बात नहीं मानी, क्या अन्य आदमी की बात मानी जाएगी? आप व्यक्तिगत काम चाहते थे या समाज के? समाज हित में। अच्छा, अगर बात करें उत्तराखंड राजधानी से लगी हुई सहसपुर विधानसभा की, तो यहाँ पर चुनावी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन्द्र शर्मा मारेंगे बाजी, या भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर तीसरी बार मारेंगे हैट्रिक, यह आकलन करना अभी संभव नहीं है। अब देखना है कि आने वाले 14 फरवरी को जनता किसको अपना ताज पहनाती है। ये भविष्य के गर्भ में है। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल हेड विनोद रोथाणा की ये रिपोर्ट। जनता का क्या है चुनावी मूड? कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में, या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है, ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।